आज वक्त के हालात के ऊपर राधा कृष्णा दौड़मणि मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, अच्छे आदमी हैं, अखलाक वाले हैं, अदब वाले हैं, एजुकेशन सेक्टर में उनके बहुत सारे काम किए हैं, गरीबों के लिए खड़े होते हैं, एक अच्छे कैंडिडेट हैं, अभी वो सियासी कांग्रेसी रंग में नहीं रंगे हैं, तो एक अच्छे उम्मीदवार हैं। आज उनको साथ कौम दे सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं थे। मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा तो और इसको जो ताकत बीजेपी को हरा सकती है उसको डैमेज ज़्यादा होता है, इसलिए मैं खुद पर्सनली बात किया हूँ, रिक्वेस्ट किया हूँ। नहीं नहीं, अब अगर मैं ये सवाल का जवाब दूंगा तो और वो कांग्रेस के अंदर रहने वाले वो जो गुलामी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो जो चमचागिरी को ही सियासत समझे हैं, वो ये बोलेंगे नासिर हुसैन उस्ताद तो कांग्रेस में आने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले थे, दरवाज़ा खटखटा रहे नहीं लिए। ज़रूरत नहीं है, जन्नत का दरवाज़ा नहीं है वो। नासिर हुसैन उस्ताद को सियासी जमात का मोहताज नहीं है, हम लोग किसी सियासी जमात के मोहताज नहीं हैं। इतना सब होने के बावजूद उमेश यादव यहाँ पर आकर 3 घंटे बोलने के बावजूद हमने उसको साथ देने का कमिटमेंट नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी को हराना ज़रूरी है, आप उनके खिलाफ जो उनको हरा सकता है उनका साथ दीजिए। गुलबर्गा की एमपी उमेश यादव आए थे, इसी तरह सड़न आ गए और उस फोटो को हमारे कांग्रेस के हमारे दोस्त जो पुराने दोस्त हैं हर ग्रुप में डाल करके, नासिर हुसैन उस्ताद जो है एमपी कैंडिडेट के एमपी से हो गया, घर को जाकर मुलाकात कर लिए, बात कर लिए। कांग्रेस के अंदर रहने वाले लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें। लगती है आपको जिस तरह से अभी आपने कहा कि कांग्रेस को लीडर्स के नहीं वोटर्स की जरूरत है, तो किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि मजबूर हैं हम लोग, मजबूर हैं, सियासी ताकत हमारी नहीं है, हम लोग मजबूर हैं। आज जो शख्स इनको हराने का दावा करता है उसको जाकर के बुलाते हैं, जो शख्स उनको मांडी को मार करके मैं तुझे हराऊंगा, तेरे बेटे को हराऊंगा बोलने वाले के घर को जाकर बोलते हैं। हमारी पास क्या है, हम मजबूर हैं, हम लोग सेकुलरिज्म के नाम पर, दस्तूर के नाम पर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तकरीर, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के सोशल फैब्रिक को तोड़ने का काम कर रही है। जिस तरीके से उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जिन लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया है, घुसपैठिया, बच्चे पैदा करने वाले, इस तरीके की तकरीर, इस तरीके की ज़बान एक ग्राम पंचायत मेंबर को भी शोभा नहीं देती। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर 10 साल मुसलसिल रहने के बाद आज मुसलमानों के खिलाफ इस तरह के अल्फाज जो नरेंद्र मोदी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान के जमहूरियत को, हिंदुस्तान की शनाख्त को, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के उस ओहदे की बेइज्जती वो कर रहे हैं। ये नाकाबिले बर्दाश्त है, हम इसकी मजम्मत करते हैं और पूछना चाहते हैं ये जो बातें वो कर रहे हैं बच्चा पैदा करने वाले, नरेंद्र मोदी से मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि उनके वालिद को कितने भाई बहन थे, उनके दादा के 7 बच्चे, नरेंद्र मोदी के वालिद के वालदा के 6 बच्चे, आज जो भारतीय जनता पार्टी के नंबर 2 अमित शाह उसके कितने बच्चे उनके वालिद के, ये जो योगी है उसके वालिद को कितने बच्चे। बात करने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, मुसलमानों की बेइज्जती, मुसलमानों को तनकीद करने में नरेंद्र मोदी ने अपने खुद के वालिद के और वालदा की, अपने दादा और दादी की जो है बेइज्जती की। इस तरीके के सियासत के खिलाफ आज हमारे साथ हमारे साउथ के प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट मलिक नागनली साहब हैं, कलीम एडवोकेट साहब, तुम्हारे खायदीन हैं, हम तमाम लोग
भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सियासत के खिलाफ हम लोग यहाँ पर यह ऐलान करते हैं कि आगे आने वाले इलेक्शन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमको वोट देना है, उसको यहाँ पर शिकस्त देनी है, क्योंकि वो शख्स हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ पर पहली बार आप तमाम लोगों को जहमत दिया हूँ सोशल मीडिया को मेरे मकान पर। मैं समझता हूँ 10-15 साल से हम और आप मुलाकात करते आए हैं, कभी यहाँ पर घर पे आपको नहीं बुलाया गया है। जहाँ पर मैं मुलाकात करता हूँ वहीं पे आप इंटरव्यू लेते हैं। यहाँ पर बुलाने का मकसद ये है कि आज मुसलमान एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है जहां पर हमको इस फिरकापरस्त ताकतों को इख्तदार से दूर रखना है, और साथ ही साथ अपने साथ जो नाइंसाफियां हो रही हैं उस नाइंसाफी को भी बोलने की ताकत हमारे में, जुर्रत हमारे में होनी चाहिए। एक तरफ बीजेपी के मोदी इस तरह के बयान देते हैं, योगी आदित्यनाथ जो चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, 2 दिन पहले उनका बयान आता है कि हिंदुस्तान में शरिया लॉ हम नहीं चलने देंगे। हिंदुस्तान में रहने वाले हर शख्स को, हर मजहब के मानने वाले को अपने अपने धर्म के साथ इज्जत के साथ उसको जीने का पूरा हक हमें हमारा संविधान देता है। अब की बार 400 पार, मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए तुमको 400 सीटों की जरूरत नहीं है, मुसलमानों के खिलाफ काम करने के लिए आपको 400 सीटों की जरूरत नहीं है, 272 काफी है इक्तदार में आने के लिए, और मुसलमानों के खिलाफ जो आपका एजेंडा है वो एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए। मगर ये जो 400 पार है, ये 400 पार हिंदुस्तान के संविधान को बदलने के लिए उनको जरूरत है। ये हमारे को जितनी मुसलमानों को जितनी जरूरत हमारे मुसलमानों को है, उससे कई गुना ज्यादा हमारे दलित भाइयों को भी इसकी जरूरत है, जरूरत उनकी भी उतनी ही है। हिंदुस्तान के सोशल फैब्रिक के अंदर विश्वास रखने वाले, संविधान के अंदर विश्वास रखने वाले, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद में विश्वास रखने वाले, गंगा जमनी तहजीब में विश्वास रखने वाले, अन्ना बसवन्ना की फिलॉसफी में विश्वास रखने वाले, ख्वाजा बंदे नवाज गेसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन से हम कहते हैं कि हम इस तरह की सियासत को हम नकारते हैं, हमें इस मुल्क के हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए हमारा कमिटमेंट है। हमारा कमिटमेंट को सवाल पूछने वाले भी लोग आज हम देख रहे हैं, क्योंकि मेरा इलेक्शन होने के बाद एनडीए का जो अलायंस हुआ जनता दल सेक्युलर का, जिस दिन वो अलायंस का अनाउंसमेंट हुआ उसी दिन हमारे तमाम साथियों ने हमने मीटिंग की, हमने इसके खिलाफ हमने नाराजगी का इजहार किया। उसके बाद पूरे कर्नाटका में हमने जनता दल सेक्युलर के खायदीन के साथ मीटिंग्स हुई। गुलबर्गा पहला शहर है कर्नाटका का जहां पर खुलकर हमने इस अलायंस के खिलाफ हमने आवाज बुलंद की। जीडीएस के पूरे खायदीन हमारे पास आए थे, एम एन नबी साहब आए थे, मोहित अल्ताफ साहब आए थे, मुनाफ साहब आए थे, हावेरी से लोग आए थे। हमने साफ तौर पर हमने बीजेपी के साथ जाने से हमने इनकार किया था, और साथ ही साथ ये कहना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस के अंदर रहने वाले लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें, अपने कमिटमेंट क्या है, उनकी हैसियत क्या है कांग्रेस के अंदर, पहले उसके ऊपर वो सोचे। सिर्फ और सिर्फ तनकीद करना और
चापलूसी करना सियासत नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ लीडर की चमचागिरी और चापलूसी करना नहीं है। आपका कमिटमेंट इस सेकुलरिज्म के लिए अगर है तो आप माइनॉरिटीज के लिए, मुसलमानों के लिए आवाज उठाना, सवाल पूछना शुरू कीजिए। 7 महीने हो गए, हमारे बहुत सारे लोग यहां पर कलीम एडवोकेट साहब बैठे हुए हैं, आज जवरगी से, चितापुर से, गुलबर्गा साउथ से, अफजलपुर से, गुलबर्गा रूरल से, गुरमिटकल से, ना सिर्फ गुलबर्गा बल्कि बीदर से कई लोग आके चले गए कि आप जो है बीजेपी को हराने वाली ताकत के साथ जुड़ जाइए, आप ज्वाइन कीजिए। तो मैंने कहा ठीक, हम तैयार हैं, मगर जो जमात का जिक्र हो रहा है उस जमात में वोटरों की जरूरत है, लीडर्स की जरूरत नहीं। मैंने जब ऐलान किया, मीटिंग हुई हमारे मुस्लिम चौक के ऑफिस पर 15 दिन पहले, उस मीटिंग के अंदर तो साफ तौर पे हमने कहा, उसके बाद मैं आपको यहां पर बुलाने का मकसद यह है कि इसी घर में, इसी जगह पर गुलबर्गा की एमपी उमेश जाधव आए थे, इसी तरह सड़न आ गए, और उस फोटो को हमारे कांग्रेस के हमारे दोस्त, जो पुराने दोस्त हैं, हर ग्रुप में डाल करके, नासिर हुसैन उस्ताद जो है एमपी कैंडिडेट के एमपी से हो गया, घर को जाकर मुलाकात कर लिए, बात कर लिए। हमारा दोस्त है एक बीएसपी का कैंडिडेट, वो भी आया था यहाँ, अरे मैं भी कैंडिडेट बना हूं, आप भी कैंडिडेट बने हैं, एक कैंडिडेट को हर किसी के पास जाना है। आज ये कहना चाहता हूं कि नासिर हुसैन उस्ताद को, नासिर हुसैन उस्ताद के साथियों को अपने आप को सेकुलर साबित करने की जरूरत नहीं है। नासिर हुसैन का किरदार क्या है, जब भी मुसलमानों के खिलाफ कोई इश्यू रहा, आज CAA NRC का मामला भूल गए हैं वो लोग, उस वक्त नासिर हुसैन उस्ताद आपको कम्युनल नजर नहीं आता था, आपके नासिर हुसैन उस्ताद को आगे भेजते थे, और हमारी सबसे बड़ी मुखालिफत करने वाले लोगों को आप रेड कारपेट वेलकम, ग्रीन कारपेट वेलकम कर रहे हो, ग्रीन कारपेट वेलकम हुआ है हमको। बस इतना ही कहना चाहता हूं कि नासिर हुसैन उस्ताद और उनके हमारे तमाम साथियों को, हम हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद में विश्वास रखते हैं, हमारे हिंदू भाई बैठे हुए हैं हमारे साथ, बैठे हुए हमारे साथ खड़े हुए हैं मजबूती के साथ, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट के तमाम हमारे साथियों को आपके मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना जरूरी है, आप उनके खिलाफ जो उनको हरा सकता है उनका साथ दीजिए। नासिर साहब खुद अप्रोच होना था कांग्रेस पार्टी, मैं आपको ये बता रहा हूँ, नासिर हुसैन उस्ताद और नासिर हुसैन उस्ताद के तमाम साथी बेंगलुरु के अंदर, हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट या एक्स स्टेट प्रेसिडेंट मिस्टर मोहित अल्ताफ, NM नबी साहब, हम तमाम लोग जा कर के CWC मेंबर जो हैं सैयद नासिर हुसैन साहब, जो मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव है हमारे हैदराबाद कर्नाटका के हैं और ASSCC सदर के करीबी माने जाते हैं, उनसे हमने जाकर मुलाकात की, उन्होंने हमसे लिस्ट मांगा और उस लिस्ट में उन्हें बोला कि भाई सिर्फ मुस्लिम्स नहीं रहना चाहिए, आप दूसरे भी नाम दीजिए, वो भी लिस्ट हमने उनको दी। हमने कहा कि 2500 मुस्लिम वर्कर्स, सेकुलर वर्कर्स JDS को छोड़ के हम आपके साथ जुड़ जाएंगे, और इसके अंदर गुलबर्गा के अंदर, गुलबर्गा का डिस्ट्रिक्ट का एक भी नाम नहीं था, कितने तमाम लोगों को उसके बाद से अब तक 4-5 दिन के बाद बोलते हुए अब तक आया, मुझे ज़रूरत नहीं है। हमारे सियासी ज़िंदगी का मकसद ये है कि हम मिल्लत के काम आए, गरीबों के काम आए, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए हम हमेशा मजबूती के साथ खड़े रहे, इस सोच को, इस आइडियोलॉजी को लेकर चले, उसके बाद
बहुत सारे लोग, मैं बता रहा हूँ तकरीबन हमारे कलीम एडवोकेट साहब को तो दिन में 20 हमारे पुराने जितने भी कांग्रेस के साथ किए, मैं बता रहा हूँ पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग, वो आए मुझे बात किए, उन्होंने कहा कि नासिर साहब आप कांग्रेस ज्वाइन करना चाहिए। मैंने कहा ठीक, बात कीजिए। तमाम लीडर्स, तमाम लोग बात किए हैं, कौन कौन बात किए उनको, कौन कौन रिक्वेस्ट किए हैं, आज सोशल लोग भी बात किए, कांग्रेस के वर्कर्स बात किए, चितापुर के लोग बात किए हैं, चितापुर के लीडर्स भी उनसे बात किए, हमसे बात किए। मगर सारी चीज़ें हो चुके हैं, नासिर हुसैन उस्ताद को सियासी जमात का मोहताज नहीं है, हम लोग किसी सियासी जमात के मोहताज नहीं हैं। इतना सब होने के बावजूद उमेश यादव यहाँ पर आकर 3 घंटे बोलने के बावजूद हमने उसको साथ देने का कमिटमेंट नहीं दिया। हमने कहा कि हम 23 तारीख को बताएंगे, नाराज होकर चले गए। अरे साहब साथ दीजिए, हम बोले कहा नहीं ऐसा नहीं होता। पहले फेज में इस तरह का रवैया मुसलमानों के खिलाफ, सेकुलरिज्म के खिलाफ, दस्तूर के खिलाफ जो स्टैंड प्राइम मिनिस्टर ले रहे हैं, हम किसी सूरत में उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। कांग्रेस के मैं समझता हूं कि 70% ऑफ द लोग हमसे मुलाकात करके वॉलंटरली, उनकी ख्वाहिश है कि कांग्रेस के कैंडिडेट जीते, उन्होंने अप्रोच किया और हमने उनको, क्या वजह लगा? ये हमारी हमारे जज्बात का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, हमारे इरादों का नाजायज फायदा। कोई ना कोई वजह होंगे। देखिए नासिर साहब पॉलिटिकल पार्टी है, प्लेटफॉर्म के प्लेटफॉर्म का अगर हटा के देखा जाए तो जब भी दलित, देखिए मैं आपको बताता हूँ, कर्णा में एक कहावत है, वजूहत अगर मेरे में जो वजूहत आपको नजर आ रहे हैं उससे 20 गुना ज्यादा वजूहत जिन लोगों को इन्होंने रेड कार्पेट वेलकम डाल के दिया है उनके वजूहत में आपके सामने रख सकते हैं। कहीं ना कहीं पब्लिक को, अवाम को आपसे भरपूर फायदा है, अवाम जो समझना चाहती है, जो नासिर साहब को सुनना चाहते हैं, क्योंकि जब भी दलित और माइनॉरिटी की बात आई तो नासिर साहब पार्टी का प्लेटफॉर्म नहीं देखे, नासिर साहब ने दलित और माइनॉरिटीज के लिए हमेशा आगे रहे हैं। तो क्या आप नहीं चाहते कि आपका ये कैलिबर, आपकी ये सोच, आपकी ये ताकत एक जनता को एक सेकुलर प्लेटफॉर्म लाने में मदद? उसी सोच को लेकर के मैं खुद उनके पार्टी के घर तक जा करके मुलाकात करके रिक्वेस्ट करके लिस्ट दे करके 7 महीने पहले दे के आया हूँ। कितने महीने पहले? 7 महीने पहले। उसके बाद तो अब जितने लोग आए उन तमाम लोगों से बात किया, कोई आकर के बोले साहब आप जिला अध्यक्ष से बात कीजिए, मैंने ठीक है लगाओ फोन, जिला अध्यक्ष से भी बात किया, ये सारी चीज़ें इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे लोग, इलेक्शन तो आते हैं जाते हैं, ये इलेक्शन आया है फिर ख़त्म हो जाएगा इलेक्शन, 7 तारीख के शाम को 6 बजे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं एक मैसेज आपके सोशल मीडिया के ज़रिए देना चाहता हूँ हमारे भाइयों से जो कांग्रेस के जिम्मेदार अपने आप को समझ रहे हैं, जो बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं, काम कीजिए, आप जिस पार्टी में हैं उस पार्टी के साथ वफादार रहिए, मगर आप अपने सियासी कायदीन को खुश करने के लिए दूसरे खाए दिन को अपनी मिल्लत के लीडर्स को डैमेज करने का, इमेज खराब करने का, घटिया किस्म की बातें सोशल मीडिया में, घटिया किस्म के, नासिर हुसैन उस्ताद, नासिर हुसैन उस्ताद को सर्टिफिकेट उन लोगों से जरूरत है, मेरी कुर्बानियां बहुत हैं, मैं केजेपी के बाद इक्तदार अगर चाहता तो बीजेपी जब भी चले जाता, आज शायद एमएलसी मिनिस्टर होता मैं, एक्स मिनिस्टर होता, मेरी कुर्बानियों के सामने कोई कुर्बानी नहीं है आपकी, आपकी तो ताकत उतनी भी नहीं कि आप जाकर के अपने एमपी कैंडिडेट को या आपके पार्टी के लीडर्स को आप बोल सकें ये मुसलमानों को काम है, ये 4% रिजर्वेशन डिले हो रहा है, हिजाब का सर्कुलर क्यों नहीं निकालते तुम, उतना उनका कमिटमेंट नहीं है। तो बहरे कफ इन हालात में उन इश्यूज़ को बात करना मुनासिब नहीं, क्योंकि अब इलेक्शन का टाइम है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है। हम हैं जब तक जिंदा है मिल्लत के साथ रहेंगे, कौम के साथ रहेंगे, मिल्ली मसाइल को हम लड़ते रहेंगे, क्योंकि हमारे साथ पूरी टीम, बहुत सी टीम बाकी है। 7 महीने पहले मैं बात किया हूँ, 3 दिन रुकिए, 4 दिन रुकिए बोल के हमारे पूरे पार्टी वर्कर्स को जाकर के ज्वाइनिंग करा रहे हैं। ये कितनी घटिया सोच है, कितनी घटिया सियासत कर रहे हैं, इसके ऊपर भी आप लोग फिक्र करना चाहिए। नासिर साहब अब कोई रास्ता नहीं है, पहले JDS थी, BJP थी और
अब जेडीएस बीजेपी से अलायंस है, तो अब लोगों का कहना है कि मुस्लिम तबके में कम्युनिटी में कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि भाई बीजेपी कांग्रेस को जिताए ताकि बीजेपी सत्ता में आए। बिल्कुल, ये आप किस नजरिए से देखेंगे ये बात को, क्या डर के वोट डालना है या फिर हमको लड़ना है संविधान? नहीं, हमको तो उनके खिलाफ खड़ा होना है, इत्तेहाद के साथ खड़ा होना है, मजबूती के साथ खड़ा होना है, जिम्मेदारी के साथ खड़ा होना है, और उस लड़ाई के बाद अपनी फलाह और बहबूदी के लिए, अपने हुकूक के लिए भी आपको अपने पार्टी प्लेटफॉर्म के अंदर आवाज़ उठाना है। क्या शेयरिंग हो सकती है उसके बारे में बात होनी चाहिए। नासिर साहब, जिस तरह से आप माइनॉरिटी कम्युनिटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जिस तरह से माइनॉरिटीज के आपके अलावा और भी ऐसे कुछ लीडर हैं जिसको नज़रअंदाज किया जा रहा है पार्टी में ना लेते हुए, मुस्लिम लीडरशिप को कमज़ोर करने की जिस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है, इस पर क्या मैसेज देंगे आप? वही मेरा जो मैसेज है वही मैसेज है कि आज इस इलेक्शन को जो हरा सकते हैं उनका साथ दीजिए, बीजेपी को जो हरा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस है। नहीं, मैं तो पार्टी तो नहीं बोलूँगा ना, पार्टी कौन है क्या है मुझे मालूम नहीं है, बीजेपी को जो हरा सकते हैं उनका साथ दीजिए। तो आप ये किस लोग संविधान के प्रिंसिपल्स में विश्वास रखते हैं, संविधान की अहमियत को समझते हैं, सेकुलरिज्म के इस फिलॉसफी को, इस प्रिंसिपल को, इस मुल्क की तरक्की का सबसे बड़ा हिस्सा मानते हैं तमाम लोग, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हों, दलित भाई हों, पिछड़े भाई हों, इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज पोलिंग करा करके अपनी राय का इजहार करना चाहिए। नासिर साहब, देखिए ये बात, लड़ाई अकलियतों की लड़ाई है, तो जहाँ लोगों को, आवाम को, खास करके गुलबर्गा शहर की आवाम को अगर नासिर उस्ताद साहब की ज़रूरत पड़ी तो नासिर उस्ताद साहब किस तरह खड़े होंगे? नहीं, मैं मिल्लत के साथ, आवाम के साथ जब तक जिंदा हूँ उनके साथ हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है, मिल्लत के साथ मैं हमेशा खड़ा हूँ, मैं मिल्लत को छोड़ के जाने वाला ना हूँ, जब तक अल्लाह सुबहाना तआला मेरे ज़िंदगी हयात रखा है, जब तक मैं सांस लेता रहूँगा, जब तक मेरे खून में रवानगी रहेगी, इंशाल्लाह जब भी ज़रूरत है आवाज़ दीजिए, नासिर हुसैन उस्ताद आपके साथ खड़ा है, उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी की सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो हालात को लेकर आप किस तरीके से लोगों को सजेस्ट करना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए? हराइए बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को रोकिए इक्तदार में आने से, 10 साल इक्तदार देने के बावजूद अगर वो हिंदू मुस्लिम कर रहा है, मुसलमानों को अगर ये बोल रहा है कि बच्चा पैदा करने वाले हैं, घुसपैठिया का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं क्या? नासिर साहब, मुस्लिम चौक पर जो आपका मशवरती इजलास हुआ, वहाँ पर कई लोग आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में भी शमूलियत अख्तियार करने के वहाँ पर सजेशन दिए थे, किस तरह से आप अभी कांग्रेस? देखिए, मैं आपको आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उस इजलास में अफजल साहब की बात को क्लियरली आपने नहीं लिया है। अफजल साहब ने उसका जिक्र किया, उन्होंने कहा कि 7 महीने पहले ही बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो है किसी के जरिए बोले थे कि भाई नासिर हुसैन उस्ताद को एमआईएम आना चाहिए, स्टेट प्रेसिडेंट बनना चाहिए। उसके साथ ही साथ मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि हमारे जिस मीटिंग हुई पहली 7 महीने पहले, SDPI के स्टेट प्रेसिडेंट भी मुझसे मुलाकात किए, बेंगलुरु में था, तो वो इज़ ए वेरी गुड माजिद साहब और कोई कॉरपोरेटर हैं मुजाहिद साहब, जेंटलमैन, उन्होंने जो है उनका मेरे लॉज तक आकर के मुझसे मुलाकात करके उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट की, मगर हमको एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में रहना, ये एक सजेशन है। सजेशंस अल्टीमेटली जब मुशावरत होती है तो तब लोगों का इजहार ख्याल है, इन 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 सजेशंस को कोई फैसला अब लेना मुनासिब नहीं। अब जहाँ पर हम हैं वहीं पे हैं, आज जनता दल सेकुलर ये जो मामला है उसके बाद कुमार स्वामी साहब ने भी मुझसे बात की, उन्होंने कहा कि वो सेकुलर हैं, वो मुसलमानों के इंटरेस्ट के लिए खड़े रहेंगे, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की, इसीलिए मैं रुका था। मैं आपको ये बता रहा हूँ, रुका हुआ हूँ आज बीजेपी के इस पॉलिसी को, अगर मिल्लत के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जब बात हो रही है तो मुझे किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है उसको तनकीद करने के लिए, आई डोंट नीड एनी अप्रूवल। अगर किसी लिंगायत समाज को अगर गाली देते हैं तो क्या लिंगायत समाज के लीडर्स खामोश बैठते हैं? मुझे भी ज़रूरत नहीं है, जब मुसलमानों के खिलाफ बात होती है तो मैं उसका जवाब दूंगा,
डंके की चोट पे दूंगा। गुलामी पंजतन की होती है, पंजे की नहीं। जब तक जिंदा है पंजतन की गुलामी करेंगे भाई, जरूरत आने पर छोड़ भी देंगे। सियासी जमात के गुलाम हम नहीं हैं। आज जितने भी लोग अपने आप को, नौजवानों को एक मैसेज आपके जरिए देना चाहता हूं, सुन लीजिए। आपको कमिटमेंट अपने आइडियोलॉजी के लिए, अपने लोगों के लिए, गरीबों के लिए, हिंदू मुस्लिम इतिहाद के लिए अगर आपका नहीं है तो आप सियासत में मत आइए। पैसे कमाने के बहुत से जरिए हैं, बहुत से जरिए हैं। आज ऐसा वक्त है, एक ही मैसेज देता हूं कि बीजेपी को हराना जरूरी है, मजबूती के साथ, इत्तेहाद के साथ 7 तारीख को घर के बाहर निकल करके उसको हराने वाले शख्स को ओढ़ दीजिए। एक बात आपको साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि ये जो मैं प्रेस मीट यहां पर आपका किया हूं, कांग्रेस के कैंडिडेट या कैंडिडेट के घर के तरफ से एक कर्टसी कॉल भी नहीं आया कि आप कीजिए, और उसकी जरूरत भी नहीं है। वोट डालने की अपील भी, मैं वोटर हूँ वोट डालिए बोल के भी नहीं है, हमारे साथियों के साथ भी नहीं है, कोई अपील भी नहीं हुई है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ये मैं अपनी जिम्मेदारी समझ कर